जो अंत और प्रारंभ है, हर युग का वो आरंभ है। ब्रह्मांड जिसने है रचा, संसार जिसमें है बसा, ये कथा देव की नंद की। प्रहलाद जी को मारने के लिए कुछ जल्लादों से कहा, इसे पर्वत की चोटी पे ले जाओ और इतने ऊंचे से गिराना कि इसकी एक भी हड्डी पसली बचनी नहीं चाहिए। प्रहलाद जी को देखा, प्रहलाद को देखने के बाद जल्लादों को भी दया आ गई। भजनानंदी लोगों के चेहरे पे तेज होता है, दुष्ट अपने आप विनम्र हो जाता है उनके आगे जाने पर। हाथ जोड़ के कहने लगे, महाराज आप जैसा हमने इतने लोग मारे, हमें कभी दर्द नहीं हुआ, पर आपको देख के बड़ी दया आ रही है। अरे मान लो अपने पिता को जगदीश, क्या फर्क पड़ेगा, पिता तो वैसे ही भगवंत तुल्य होते हैं। बोले नहीं, तुम जैसे अपने स्वामी की बात मानने आए हो और अपने स्वामी की बात मानकर तुम मुझे समाप्त करना चाहते हो, वैसे जैसे तुम्हें अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना है, वैसे मुझे भी मेरे स्वामी की आज्ञा का पालन करना है। और मुझे मेरे स्वामी पर भरोसा है, तुम्हारा स्वामी मुझे मरवाना चाहता है और मेरा स्वामी मुझे बचाना चाहता है, वो कुछ होने नहीं देगा। जल्लादों ने प्रहलाद को बहुत ऊंची चोटी से फेंक दिया, बहुत ऊंची चोटी से। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज मरने का डर नहीं है, पर आज मर गए तो आपकी हंसी होगी। भगवान गए मरे कैसे, जिसे मैं बचाऊं उसे दुनिया में कोई नहीं मार सकता। आ, मैं तेरी रक्षा करने के लिए तैयार हूं। और ठाकुर ने अपनी गोद में, अपनी बाहों में प्रहलाद को ले लिया। तू मेरा बच्चा है, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। भगवान ने अपनी गोद में ले लिया, मानो फूलों की शेष पे आए हो प्रहलाद। भगवान पूछ रहे, चोट तो नहीं आई? बोले आई है। कहाँ? बोले दिल में। अरे तुझे क्या हो, मैंने तो लिया था। बोले सर चोट वैसी नहीं है, चोट ऐसी है जो दिखाई नहीं जा सकती। मेरी वजह से मेरे ठाकुर को बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है, मेरी वजह से आपको बार बार आना पड़ता है, ये कष्ट है। भगवान प्रसन्न हो गए, प्रहलाद मुझे भक्तों की सेवा करने में कभी कष्ट नहीं होता, बल्कि मुझे तो भक्तों की सेवा करने में आनंद की अनुभूति होती है। जब जब मुझे तुम्हारे भक्तों तुम जैसे भक्तों की सेवा करने का सौभाग्य मिलता है, मुझे भगवान होने पर गर्व होता है कि मैं भगवान इसलिए हूं जिससे मैं तुम जैसे भक्तों की सेवा कर सकूं। राधे राधे बोल। तो मेरे प्यारे, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन, धर्म की बहन, जिसे शंकर भगवान से शीतलपट प्राप्त है कि अग्नि में जाए उस शीतलपट को ओढ़ के तो अग्नि भी जलाएगी नहीं। तो होलिका ने कहा, भैया चिंता मत कर, मैं तेरे शत्रु को जला के स्वाह कर दूंगी। बहुत बड़ी चिता बनाई गई, प्रहलाद को गोद में लिया और होलिका जाने लगी। भगवान सुरक्षा के लिए तैयार हो गए और वहां पर भगवान ने पवन देव को याद किया। पवन देव और 49 तरीके की पवन होती हैं और वो 49 और बेग पवन जो है बड़ी तीव्र गति से चली, इतनी तीव्र गति से कि शीतलपट जो होलिका ने ओढ़ा हुआ था वो उड़ के प्रहलाद जी के ऊपर आ गया और होलिका जलकर गोविंदाय नमो नमः स्वाहा हो गई। बोलो प्रहलाद जी महाराज की जय। जो गई थी जलाने वो जल गई। जिसको तू बचाने पे आवे, आग में भी बचा के दिखावे, तेरे बस में अंधेरे उजाले, मेरी नैया है तेरे हवाले। भूतों भगवान जिसे बचाए उसे कोई मार नहीं सकता। होलिका जल गई। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज,
फेसबुक पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ ठाकुर_G फॉलो करें।